I'm sorry to inform you, but मन्नत जी उन्हें पसंद नहीं आई। What? उन्हें मन्नत नहीं पसंद आई? What's wrong with them? Problem क्या है उन्हें मन्नत से? सर, इनसे उनको क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो इन्हें जानते भी नहीं। लेकिन सर, जब इन्वेस्टर्स की मार्केटिंग एजेंसी ने इनके बारे में रिसर्च करी सर, तो इन्हें पता चला कि इनकी मार्केट में इमेज कुछ ठीक ठाक नहीं। सर, इन्वेस्टर्स की मार्केटिंग एजेंसी ने इनके बारे में पूरी डिटेल भेजी है। सर, आप खुद ही चेक कर लीजिए ना। इतने सारे फ्रेंचाइज का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और इतनी बड़ी डील एक छोटी सी शर्त के बिना पर, और आपने इन्हें इबादत जी की जगह मॉडल रखने का प्रस्ताव रखा। सर, ऐसे तो बिजनेस में घाटा होगा। और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ये शादी के मंडप से भाग चुकी है? हमें तो ये भी पता चला है कि इनका कनेक्शन कुछ गलत लोगों के साथ रहा। सर, गलत लोग क्या कह रहे हैं, क्रिमिनल बोलिए, क्रिमिनल। आप जानते हो उसे फरहान को, क्रिमिनल आदमी है। हमने तो ये भी सुना है कि उनके साथ इनका चक्कर था। बत्रास साहब, पूरी डिटेल्स हैं इनकी पुलिस स्टेशन में। लेकिन सुमन सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनका चेहरा अगर हमने होर्डिंग में लगाया और कस्टमर्स ने पहचान लिया तो आप सोचिए हमारी इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी कैंपेन पानी में चली जाएगी। सर, इन लोगों को कैसे पता चला? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हमारे घर की बारीक चीज है जिन्हें सिर्फ हम जानते हैं। इन्हें कैसे पता चला? उन लोगों को ये बातें इबादत ने बताई है। मुबारक हो मन्नत, आखिर तुमने मुझे जालिम बनने पे मजबूर कर ही दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुम्हारी इज्जत से खेलना पड़ेगा। तुम मेरी जिंदगी से खेल रही हो, मैं कब तक बर्दाश्त करती जाऊं? मैंने कर दिया जो मुझे करना था। देखिए, आपको मन्नत के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है, मन्नत के साथ साजिश हुई है। और मन्नत के खिलाफ साजिश करने वाले इसी घर में मौजूद हैं। वरना मन्नत के बारे में इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती ही नहीं।